अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर ट्रेनर नान। इलस्ट्रेटर की न्यू क्लास में बेहद खुश आमदीद। आज की जो क्लास है वो एक 3D टेक्स्ट पर रिलेट करती है कि आप इलस्ट्रेटर में टेक्स्ट को 3D इफेक्ट के जरिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। बड़ी सिंपल और मज़ेदार सी टेक्निक है, क्योंकि हम टूल्स एंड टेक्स्ट को कवर करते हुए जाएंगे और न्यू टूल सीखेंगे। सो आइए हम लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ चलते हैं और इस टेक्निक को सीखते हैं। ओके, तो मैं एक टेक्स्ट लेयर ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं कोई टेक्स्ट लिख लेता हूँ और फॉन्ट इसका मैं बड़ा कर देता हूँ, जो भी मुझे फॉन्ट रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई भी फॉन्ट चल, या आप अपनी मर्जी का भी फॉन्ट ले सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपको। ये चले फॉन्ट मेरे पास आ गया अनवाटी का, और अब मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, कैप्स में लिखूँगा ताकि विजिबिलिटी क्लियर हो मुझे इस चीज़ की, इस तरीके से। ठीक है, इसी के साथ मैं इसकी एक कॉपी ले लूँगा, कॉपी में लूँगा, आर्ट दबा कर इसी के साथ इसको नीचे ड्रैग करूँगा, एक कॉपी आ जाएगी, और इस कॉपी को थोड़ा सा छोटा करूँगा उसकी नस्बत से। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इस का जो कलर है तो मैं अभी से चेंज कर लेता हूँ, और यहाँ से जाकर मैं इसका कलर लेट्स सपोज रख लेता हूँ। आप कोई भी कलर ले लेते हैं, चलें ये वाला कर लेते हैं, और इस जो नीचे वाले लेयर का कलर है वो ब्लू, और इसके नस्बत में थोड़ा सा इसको मैं टॉन का। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, अब क्या करूँगा कि मैं लेयर्स पे जाकर क्लिक करूँगा, लेयर्स में देखूँगा कि कौन सी लेयर ऊपर है और कौन सी लेयर नीचे है। इस वाली लेयर को मैं नीचे लेकर आऊँगा। नीचे इसलिए क्योंकि मैं एक जो 3D इफेक्ट है ना वो अपने हिसाब से कुछ क्रिएट करना चाह रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ करना क्या चाह रहा हूँ। मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद मैं जनाब जाऊँगा ऑब्जेक्ट में और मैं ब्लेंड सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, ब्लेंड में जाकर सबसे पहले ब्लेंड ऑप्शंस पे जाएँ, उस पर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पाथ सिलेक्टेड होते हैं, ये शुरू में 8-10 होता है, मैंने इसको 1000 कर दिया क्योंकि मुझे बहुत सारे इसमें चाहिए। फिर वापस जाएं आप ब्लेंड में, या फिर ब्लेंड में जाने के बाद आप मेक करते हैं। जैसे ही आप मेक करेंगे ऑटोमेटिकली आप देखेंगे आपका जो टेक्स्ट है वो उसमें 3D लुक देना उसने शुरू कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है कि आप ऊपर वाले टेक्स्ट को विजिबल करने के लिए डबल क्लिक करें। जैसे ही आप उसमें डबल क्लिक करेंगे लाइक दिस, और इसका आपने अगर कोई ना कोई कलर चेंज करना है, जैसे इसका आप कलर ये रखना चाहते हैं तो आप इसका कलर ये भी रख सकते हैं, और इसमें आप स्ट्रोक भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पे जाके इसका स्ट्रोक जो है वो रख लेता हूँ जनाब वाइट, तो ये इसका स्ट्रोक होगा वाइट। ठीक है, ऑटोमेटिकली उसने आर्टवर्क के अंदर वाइट कलर भी किया। ठीक है, इस तरह से मैं इसका स्ट्रोक वाइट करता हूँ, ये देखिए ऑटोमेटिकली विजिबिलिटी आना शुरू होगी उसमें, और आप देखें कि वो कितना बेहतरीन एक इफेक्ट सा उसने क्रिएट कर दिया इलस्ट्रेटर में, जो ब्लेंड एंड टेक्स्ट के ऑप्शन को यूज़ करते हुए। और ये बड़ा बेहतरीन सा इफेक्ट है जो कि आप अपनी आर्ट बोर्ड्स पर खुद भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप सो आज की जो क्लास है वो भी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इलस्ट्रेटर की वीडियोस को और तमाम वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।